उनका स्वागत करो। हम सबसे पहले हजारों का सम्मान करके और जगह में और ही आरक्षण मुसलमान समाज को दे रहा है। आज कर्नाटक में 4% ओबीसी का रिजर्वेशन। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में रामगढ़ जिला के रजरप्पा में बुधवार को एक आम सभा का आयोजन किया गयाल। इस आम सभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल शामिल हुए। रजरप्पा में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मैं मां कामाख्या की धरती से आया हूं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के धरती मां छिन्न मस्तिका को प्रणाम करता हूं। धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सभी को कहना चाहता हूं कि देश में 4 चरण का चुनाव अभी तक संपन्न हो चुका है और किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि है आपकी बार, भाजपा 400 पार सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस बार 400 से एक भी सीट काम नहीं होने वाला है। वहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि देश में मुसलमान को आरक्षण का कोई हक नहीं है। वह आरक्षण यहां के एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकार है वहां पर ओबीसी के आरक्षण को काट कर मुसलमान को दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर देगी। मैं फिर की गहराई से आपके ये दुख होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ओबीसी का आरक्षण कम करके और जगह में और ही आरक्षण मुसलमान समाज को दे रहा है। आज कर्नाटक में 4% ओबीसी का रिजर्वेशन काट के वो रिजर्वेशन कांग्रेस लोग मुसलमान को दे रहा है। कर्नाटक का बात ये लोग आंध्र प्रदेश में मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। आज ये लोग तेलंगाना में मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहा है। लेकिन हमारा भारत में धर्म के आधार में रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है। हमारा भारत में रिजर्वेशन का जो हकदार है वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और ओबीसी है। भारत में रिजर्वेशन का हक मुसलमान को मिल ही नहीं सकता है। माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी ने मां कामाख्या की धरती से आए हो और जिस धरती पर पधारे हो तो मां छिन्नमस्तिका की धरती में पधारे हो। जो संयोग है या मां राज्य को एक विकसित राज्य बनाने का कागा। मैं फिर की गहराई से आपके तरफ से मंच की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और आपको फिर की जाती जिनको मैं लंबे अरसे से जानता हूँ। नाम है मनीष जायसवाल, लेकिन मेरे मनीष जायसवाल जी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए असम